आज हम लोग 12वीं की मैथमेटिक्स के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। तो उसमें 12वीं की मैथमेटिक्स में कुल 13 चैप्टर हैं एनसीईआरटी बुक में। 13 चैप्टर जो हैं उनमें से मुख्यतः अवकलन और समाकलन के सबसे अधिक चैप्टर हैं। त्रिकोणमिति से रिलेटिव एक चैप्टर है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो पहली किताब है 12वीं की मैथमेटिक्स की, उसमें से 6 चैप्टर हैं। तो उसमें हमेशा चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत की जाती है, तो मैं चैप्टर नंबर 2 से आप लोगों को शुरुआत करने चलूंगा। तो ये चैप्टर नंबर जो 2 है कक्षा 12 का, उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अंग्रेजी में इसको इनवर्स कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अपने कक्षा 11 के पाठ 3 में जितने सूत्र पढ़े थे, वो सारे सूत्रों का उपयोग यहाँ पर होगा। कुछ नए एक्स्ट्रा सूत्र हैं, उनके बारे में यहाँ पर मैं जानकारी आपको देने चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखना, तो अलग अलग प्रकार के प्रतिलोम फलनों के बारे में, इनवर्स फलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लिया पहला फलन है वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो माइनस एक से प्लस एक के बीच, बड़ा ब्रैकेट माइनस एक से प्लस एक के बीच में, और इसका परिसर क्या होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। आप लोग पार्ट 3 में पढ़े थे साइन थीटा का जो प्रांत होता था वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होता था, लेकिन उसका परिसर जो होता था माइनस एक से प्लस एक के बीच में होता है वो साइन थीटा का था, उसका उल्टा है यहां पर। इसलिए प्रांत यहां पर जो साइन थीटा का मान जितने से जितने के बीच में होता था, यहां साइन इनवर्स का वो प्रांत होता है, और इसका परिसर कितना होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। विशेष तौर पर प्रत्येक इनवर्स फलनों का परिसर आपको दिमाग में ख्याल रखना है। ठीक उसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स का प्रांत माइनस एक से प्लस एक होता है, परिसर जीरो से पाई होता है। फिर इस तरह से टैन इनवर्स एक्स का प्रांत आर होता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, और परिसर छोटा ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। याद करो टेन में माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू जो साइन वाला है वहां बड़ा ब्रैकेट था, यहां छोटा ब्रैकेट है, क्योंकि टेन का जो सूत्र होता है टेन बराबर होता है साइन बटे कोस, तो ऊपर साइन है तो ये साइन वाला ही मान लिखा गया है, लेकिन यहां बड़ा ब्रैकेट था यहां छोटा ब्रैकेट है। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से कोट इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो आर होता है, और जो परिसर होता है, अब कोट के सूत्र में ऊपर कोस होता है, तो यहां कोस का परिसर बड़े ब्रैकेट जीरो से पाई था, तो यहां छोटा ब्रैकेट जीरो से पाई है, ठीक है। इसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है आर वास्तविक संख्या माइनस और माइनस एक से प्लस एक के बीच वाली संख्या घटा के बाकी जो मान बचता है उसका प्रांत होता है, और इसका जो परिसर होता है जो साइन का परिसर है माइनस पाई बाई टू से प्लस बाई टू, प्लस पाई बाई टू, और माइनस बड़ा ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से प्लस बाई टू माइनस, और माइनस में साइन के ऐसे मान को माइनस करना है जिसमें साइन का मान शून्य होता था, तो साइन जीरो का मान शून्य होता है, इसलिए यहां पर माइनस जीरो किया गया है। ठीक उसी तरह से sec इनवर्स x का जो प्रांत होता है r माइनस माइनस एक से प्लस एक, और इसका जो परिसर है cos का जो परिसर है वो पूरा लिखेंगे, लेकिन उसमें माइनस कौन सा करेंगे, जितने अंश का मान cos का मान जीरो होता है वो वाला मान माइनस करेंगे। तो आप लोग जानते हैं cos पाई बाई टू का मान शून्य होता है, इसलिए जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू मझले ब्रैकेट में है, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है यहाँ पर विशेष तौर पर ख्याल रखना, जैसे है साइन साइन इनवर्स थीटा, यहां पर ये साइन और ये साइन इनवर्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, थीटा बचेगा। ठीक उसी प्रकार से कोस कोस इनवर्स थीटा बराबर थीटा बचेगा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, टेन टेन इनवर्स थीटा, यहां टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, खाली थीटा बचेगा। इसी तरह से कोट कोट इनवर्स थीटा, यहां कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा। ठीक उसी तरीके से साइन इनवर्स एक बटे एक्स, आप जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन इनवर्स एक बटे एक्स, तो एक बटे एक्स को उल्टा करके लिख दिया, और यहां पर साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन इनवर्स एक बटे एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक उसी तरह से कोस इनवर्स एक बटे एक्स बराबर आपका क्या आएगा, कोस का उल्टा सेक होता है सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक बटे एक्स, टेन का उल्टा कोट होता है कोट इनवर्स एक्स। ठीक उसी तरह से अब माइनस थीटा के जो सूत्र होते थे, यहां पर माइनस इनवर्स में माइनस के सूत्र, जिसमें साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, और टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन यहां कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। ठीक उसी तरह से सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, और कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर
बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। अर्थात माइनस वाले फार्मूले में आप लोग ध्यान रखना, साइन और साइन का उल्टा कोसेक और टेन, ये तीनों के माइनस में माइनस आगे लगा के वही का वही लिख देते हैं। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और बाकी सब में आप पाई माइनस करके लिखना है। जैसे कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, या सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, या कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। इसके अलावा ये तीन बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स धन कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है, और टेन इनवर्स एक्स धन कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है, और सेक इनवर्स एक्स धन कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई टू होता है। यहां ऊपर आप लोग देखे होंगे जो परिपर में माइनस परिसर में माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू या जीरो से पाई आया है, उसका मतलब क्या होता है। जो आप लोगों का यूनिट सर्कल होता है प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण चतुर्थ चरण, आप लोग जानते होंगे, तो उसमें माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू का मतलब पहला और चौथा चरण, पहला और चौथा चरण। आप लोग जानते हैं यूनिट सर्कल इस तरह से होता है, यहां पर आपका जीरो, यहां पर आपका होता है पाई बाई टू, यहां पर आपका होता है पाई, यहां पर होता है थ्री पाई बाई टू, और यहां पर होता है टू पाई। लेकिन अगर उल्टे में आएंगे तो यहां पर देखना जीरो, तो यहां पर माइनस पाई बाई टू, यहां पर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू का मतलब ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। अर्थात माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में पहला और चौथा चरण आता है। ठीक उसी तरह से जीरो से पाई के बीच में देखना, ये जीरो है यहां पाई है, जीरो से पाई के बीच में पहला और दूसरा चरण आता है। इस टॉपिक को विशेष तौर पर ख्याल रखना। फिर सुबह चेंज नो चेंज जो सब फार्मूले हैं उन फार्मूलों को आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रखना। अब इस टॉपिक्स पर आधारित हम लोग सवालों की चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम शुरुआत करने चल रहे हैं प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 की हम लोग शुरुआत करेंगे। इसमें पहला सवाल है आपका साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप लोग देखना ध्यान से, इस सवाल का हमको मान ज्ञात करना है। प्रश्न यह है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करो, ठीक है ना, का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जितने भी सवाल अपने इनको हल करके इनका मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखना ध्यान से, जो सवाल है इस सवाल को आप लिख दो, क्या लिखा है, साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो। आप लोग अब विशेष तौर पर ध्यान देना, अब ये साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो, अर्थात ये साइन इनवर्स माइनस एक्स जैसा लिखा है, ये सूत्र है। ठीक है ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर एक बटे दो। अब यहां माइनस साइन इनवर्स, अब यहां पर देखना साइन इनवर्स है, अगर अंदर साइन मिले तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यह सोचना है एक बटे दो साइन कितने अंश का मान होता है, तो साइन तीस अंश का मान एक बटे दो होता है, तो तीस अंश का मतलब आपका क्या होता है, पाई बाई सिक्स होता है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई सिक्स। अब यहां ऑलरेडी माइनस का चिन्ह लिख देंगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाई सिक्स। अब यहां पर आपका आंसर क्या है, माइनस पाई बाई सिक्स, जो यहां पर ये बिलोंग कर रहा है। अब साइन इनवर्स का जो विस्तार परिसर है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है, और ये जो आंसर आपका आया है माइनस पाई बाई सिक्स, ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करता है। अर्थात आपका आंसर यहां पर कितना गिना जाएगा, माइनस का पाई बाई सिक्स, जो इसके बीच में आता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सवाल देखना ध्यान से। दूसरा सवाल है कोस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। अब यहां पर कोस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, अब देखना यहां माइनस था, यहां माइनस नहीं है, अब आपको डायरेक्ट हल करना है। अब कोस कितने अंश का मान रूट थ्री बाई टू होता है, तो कोस साठ अंश का मान आप लोग जानते हैं एक बटे दो होता है, तो कोस तीस अंश का मान क्या होता है, रूट थ्री बाई टू। इसलिए आप इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स, यहां कोस अब तीस अंश का मान मतलब पाई बाई सिक्स। अब इसी को सोल्व करेंगे, कोस इनवर्स से कोस कैंसल, बचेगा क्या, पाई बाई सिक्स, जो बिलोंग करता है। अब कोस का जो परिसर होता है कोस इनवर्स का, वो जीरो से पाई होता है बड़ा लेकर, तो पाई बाई सिक्स जीरो से पाई के बीच में बिलोंग करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखना, अब अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, कोसेक इनवर्स दो है।
ठीक है ना। अब इसका मान हमको ज्ञात करना, अब यहां माइनस फिर नहीं है, यहां पर अब कोसेक कितने अंश का मान दो होता है वो आपको लिखना है। तो यहां पर आप लोग जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब कोसेक 30 अंश का मान 2 होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक, अब यहां 30 का मतलब क्या होगा पाई बाई 6, यहां कोसेक इनवर्स से ये कोसेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या पाई बाई 6 जो बिलोंग करता है। अब कोसेक का जो विस्तार है वो बड़ा ब्रेकट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और माइनस यहां पर 0, ऑलरेडी यहां पर देखो कोसेक इनवर्स का परिसर यही है, ठीक है। तो उसी के आधार पर इस तरह से आपको फाइनल जवाब लिखना है। अगर इनके बीच में आता है तो आंसर सही है, अगर इनके बीच में नहीं आता तो उसको बीच में करना होता है। अभी आगे कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो हमको करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ेंगे, अभी तो ये सिंपल एक एक नंबर वाले सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देख मैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका है टेन इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है। अब यहां पर देखना टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, यहां पर टेन इनवर्स आपका क्या आ जाएगा रूट 3। अब रूट 3 टेन कितने अंश का मान होता है, यहां पर माइनस टेन इनवर्स, अब ये टेन कितने अंश का मान होता है टेन 60 अंश का मान होता है, 60 मतलब पाई बाई 3, यहां पर टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, ये आगे वाला माइनस रहेगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, बचा क्या पाई बाई 3, और जो बिलोंग करता है छोटा ब्रेकट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। आप देखेंगे टेन इनवर्स का जो परिसर है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 छोटा ब्रेकट उसके बीच में आंसर आता है, तो इसका आंसर गिना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सवाल नंबर 5 जो है, 5 सवाल है कोस इनवर्स माइनस 1/2। अब इस सवाल के ऊपर विशेष कंसंट्रेशन करना है, ये थोड़ा सा अलग हटके सवाल है। सबसे पहले कोस इनवर्स माइनस 1/2, अब कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो यहां पर लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो एक्स का मतलब यहां 1/2 है। अब यहां पर पाई माइनस कोस इनवर्स, अब यहां पर गौर करना ध्यान से, 1/2 कोस कितने अंश का मान होता है 60 अंश का मान होता है, यहां पर कोस पाई बाई 3, अब यहां पर देखना सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा पाई बाई 3, अब यहां तिरछा गुणा कर लेंगे तो 3 × 3 पाई माइनस का पाई पूरे का 3, हल करने पर क्या आएगा 2π/3, हल करने पर क्या आएगा 2π/3, मतलब 2π/3 आपका आंसर कितना आया है 2π/3 जो बिलोंग करता है, अब जो कोस का विस्तार है 0 से पाई के बीच में आपका आंसर है, ठीक है ना। 2π/3 120 अंश, 0 से 180 के बीच में 120 अंश आता है, ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो टेन इनवर्स माइनस 1 है, यहां पर टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, यहां पर tan इनवर्स x के स्थान पर 1 है। अब tan कितने अंश का मान एक होता है 45 अंश का मान होता है, तो माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4, अब यहां पर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 आएगा, और ये आपका आंसर होगा जो बिलोंग करता है tan का जो विस्तार है छोटा ब्रेकट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। छठे के बाद देखना 7 सवाल इसका, ठीक है, तो 7 सवाल है यहां पर sec इनवर्स 2/√3, ठीक है। अब यहां पर sec इनवर्स 2/√3, तो sec कितने अंश का ये मान होता है 2/√3 वो देखेंगे। तो आप लोग जानते हैं cos का उल्टा sec होता है, कोस 30 अंश का मान होता है √3/2, जिसका मतलब sec 30 अंश का मान होगा 2/√3, और sec 30 का मतलब पाई बाई 6, तो sec इनवर्स sec पाई बाई 6, यहां पर sec इनवर्स से sec कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाई 6 जो बिलोंग करता है, अब जो sec का विस्तार है 0 से पाई के बीच में माइनस मझले ब्रैकेट में पाई बाई 2, मतलब 90 अंश को छोड़कर 0 से 180 के बीच के सारे मान गिने जाएंगे, तो उसी के बीच में ये मान आपका आ रहा है, इसलिए आपका आंसर गिना जाएगा। इसी तरह से 8 सवाल देखेंगे, तो 8 सवाल है आपका cot इनवर्स √3, अब कोट √3
यहां पर देखना कोट इनवर्स, कोट कितने अंश का मान रूट थ्री होता है, कोट पाई बाय सिक्स का मान रूट थ्री, कोट 30 अंश का मान रूट थ्री होता है, तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या पाई बाय सिक्स। अब ये जो पाई बाय सिक्स ये आंसर होगा, लेकिन ये बिलोंग करता है कोट का जो परिसर है, ध्यान देना कोट का जो परिसर है वो छोटा ब्रेकट जीरो से पाई होता है, ठीक है। तो इसी तरह से नौवा सवाल है जो कोस इनवर्स माइनस वन अपान रूट टू, इस सवाल को आप लोग सॉल्व करना बिल्कुल सवाल नंबर पांचवे जैसा। और दसवां सवाल जो है वो है कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू, ठीक है। तो देखना नौवां सवाल आप लोग सॉल्व करना, दसवां में कर दे रहा हूं। पहले तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, अभी हम लोग कोसेक का फार्मूला पढ़े, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, तो यहां पर क्या लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स रूट टू। अब कोसेक कितने अंश का मान रूट टू होता है 45 का, तो माइनस कोसेक इनवर्स ब्रेकट में कोसेक पाई बाई फोर। अब यहां पर कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, जवाब आएगा माइनस पाई बाई फोर, जो बिलोंग करता है बड़ा ब्रेकट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू और माइनस जीरो, जो कोसेक का विस्तार है। इस तरह से माइनस पाई बाई फोर आंसर गिना जाएगा। ओके।